सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजगान टीवी और आज हम इंतहाई अहम मसले कादियानियत के कानून में छेड़छाड़ी पर बहस करेंगे। ये कानून क्या है, इसमें क्या तब्दीली की गई है, इससे कादियानियों की आइनी हैसियत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे मुसलमानों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों का खुलासा आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए राजगान टीवी को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हर आने वाली वीडियो के बारे में जान सकें। कादियती कमीशन में शामिल कर लिया गया है। बहुत से दोस्त इस बात की खुशी मना रहे हैं कि कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया है, लेकिन असल में ये बहुत खतरनाक बात है। अगर हम इस कमीशन की शिकों को गौर से पढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये कितनी ख़तरनाक बात है। कादियानियों को अकलियत करार देना इस बात की गवाही देता है कि अब कादियानी बतौर अकलियत अपनी मजहबी सरगर्मियां अलग ऐलान कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान उनको तहफ़ुज़ फराहम करेगी, जैसा कि कोई भी और गैर मुस्लिम करते हैं, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए। जहां तक बात रही हिंदुओं की या ईसाइयों की, वो हर साल में अपनी होली मनाते हैं, क्रिश्चन अपनी ईस्टर मनाते हैं, हमें तो उसे कोई परवाह नहीं मनाए। लेकिन क्या कादियानी इस कमीशन के अप्रूवल के बाद अपने मजहबी सरगर्मियां इस तरह ही खुलेआम कर सकेंगे? क्या कादियानी मिर्ज़ा कादियानी की मौत और पैदाइश का दिन मना सकेंगे और हम उन्हें देखते रह जाएंगे? और कादियानी हैं कौन? ये तो अपने आप को काफिर भी नहीं मानते, ये तो अपने आप को हमारे कानून से बड़ा समझते हैं, ये तो कहते हैं हमारा कानून कुछ भी नहीं है। और कादियानी अपने आप को नॉन मुस्लिम कहते ही नहीं हैं, तो किस हक से हज़रत अज़म साहब ने इनको अकलियती कमीशन में शामिल किया? आज हमने इनको मज़हब तस्लीम कर लिया, क्या हमें इनको तमाम चीज़ें देनी होगी जिनकी कादियानियों के लिए पाकिस्तान के आइन में कोई जगह नहीं? जैसा कि कादियानी अपनी इबादत गाह नहीं बना सकते पाकिस्तान में, कादियानी इजान नहीं दे सकते, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कादियानी अपने मज़हब की सरेआम तबलीग नहीं कर सकते, बल्कि तबलीग कर ही नहीं सकते। तो हमें इनको आज मज़हब मान लेने के बाद सारी चीज़ें देनी होंगी? बड़ा अलमिया तो ये है। जहाँ तक बात रही कादियानियों की, कादियानी अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कहते, वो अपने आप को अकलियत मानते ही नहीं हैं, इसलिए वो इस कानून को भी नहीं मानते। कादियानी तो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना के इस क्राइसिस वाले माहौल के अंदर वज़ीर आज़म साहब को क्या पड़ी थी कादियानियों के मामले में दखल देने। तहरीक इंसाफ को कादियानियों के हवाले से अपनी पॉलिसी को वाज़ह करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा, हम कोई सोई हुई कौम नहीं है, हमें अपने दीन की हिफाजत करना अच्छे तरीके से आता है। जहाँ तक बात रही उन लोगों की, कहते हैं कादियानी को तो काफिर करार दे दिया गया है, वो तो अब अकलियत बन चुके हैं, उसमें तो खुशी बनानी चाहिए। उनके लिए मैं एक तस्वीर दिखा दूँ कादियानी के ऑफिशियल पेज की। अहमदी मुस्लिम्स कह रहे हैं कि हमें अहमदी मुस्लिम्स के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। जैम साहब को इन सब चीज़ों की कादियानियत कोई मज़हब नहीं है, कादियानियत कोई फ़िरका नहीं है, कादियानियत कोई अकलियत नहीं है, बल्कि ये सरासर एक फितना है। और हमारे प्यारे रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नबूवत के ऊपर एक वार है, हमें इसको एक फितना ही तस्लीम करना चाहिए, ना कोई मज़हब, ना कोई अकलियत, ना ही किसी किस्म का हकूक़ देना चाहिए। तमाम मुसलमानों को इस कानून के ख़िलाफ़ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हुकूमत आइंदा किसी भी तरह इस कानून में छेड़छाड़ी ना कर सके। आप सब इस कानून के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।